हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ऑटो कार। आज मेरे बराबर में खड़ी हुई, ये खड़ी हुई है वैगनार भाई, सबसे पसंदीदा गाड़ी है, ठीक है। और ये सीएनजी वेरिएंट खड़ा हुआ है VXi में, और सबसे वैल्यूएबल बन जाता है क्योंकि LXi अगर आप लेते हैं सीएनजी में, उसमें आपको ना चारों पावर विंडो के लिए अलग से मतलब लगाना पड़ेगी, आगे की फ्रंट की आती है, मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी मिल जाती हैं आपको। तो वही चीज़ बताऊंगा आपको कितने की पड़ जाएगी, क्या क्या मिल जाता है इसमें। एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो बनाने रहने वाली है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले तो बात करता हूँ इसमें चाबी की। चाबी आपको ना देखो रिमोट की मिल जाती है, सबसे ये अच्छी चीज़ लगती है इसकी ये। अगर LXi आप जाते हैं ना LXi में, तो यहाँ आपको रिमोट की नहीं मिलने वाली है लॉक अनलॉक बटन के साथ में। अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक में। आपको ना ये जो देख रहे हैं ना, आपको फ्रंट में मिल जाता है हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि कुछ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, कुछ ज़बरदस्त। जहाँ पर आपको हाई बीम और लो बीम देखने के लिए मिल जाएगी, पार्किंग लाइट हमें देखने के लिए मिल जाती है, नीचे इंडिकेटर जो कि काफ़ी हाईलाइटेड रहता है, आप कभी नाइट ड्राइविंग करेंगे तो इंडिकेटर भी आपको ज़बरदस्त लगने वाला है। और इसकी जो हेडलैम्प है उसकी रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा है। पर यहाँ पर आपको ना फॉग लैम्प के लिए हाउसिंग जरूरी मिलती है, आप चाहें तो इसको डीलर से लगवा सकते हैं, ठीक है। और ग्रिल का हम बात करते हैं, ग्रिल हमें ये मिल जाती है पूरी ग्रिल, ठीक है। और सेकेंडरी जो ग्रिल मिलती है वो नीचे मिलती है, और जो कि है पूरा प्लास्टिक में, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्लास्टिक मिल जाती है, डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। बीच में मिल जाता है हमें क्रोम, और सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। तो कुल मिलाकर जो उसका फ्रंट लुक है ना, कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में देखो, चलते चलते मैं आपको बता दूँ, इसमें ना आपको एक इंच आपको जो है अपना टायर बड़ा मिलता है LXi से। अब इसलिए तभी तो मैंने कहा ये LXi से थोड़ा वैल्यूबल हो जाता है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट बन जाता है। इसमें आपको देखो 14 इंच का टायर मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल है 165/17R14, ठीक है। और स्टील रिम मिलता है, व्हील कैप भी साथ में मिल जाता है इसमें। बाकी मड फ्लैग का देख रहे हैं, वो आपको एसेसरीज में लगवाना पड़ेगा। और सस्पेंशन गैप भी जो देख रहे हो काफ़ी अच्छा है ट्रैवलिंग। और इंडिकेटर यहाँ फेंडर पे मिल जाता है आपको, ORVM आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आते हैं, जो कि मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। डोर हैंडल भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर मिल जाएगा, A+, B+, C+ बॉडी कलर मिलता है। सी पिलर पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लॉटिंग डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैट ब्लैक में है, ठीक है। और ये पूरा इसका साइड प्रोफाइल मिल जाती है हमें पूरी। चलते हैं भाई यहाँ पर। अब आपने बहुत सारे ये देखा होगा कि भाई इसकी जो टेल लैंप है ना, वो ज़बरदस्त लगती है। और नाम नहीं लूँगा कंपनियों का, उन्होंने इसको शायद कॉपी भी करा होगा, लेकिन कॉपी किया नहीं किया उन्होंने, खैर वो तो अलग की बात है। लेकिन उनके ऊपर ये तोहमत लगी हुई है कि उन्होंने कॉपी किया, पर हाँ उन्होंने अपना डिज़ाइन अपना, पर ये वाला डिज़ाइन जो है ना सबको पसंद आया भाई। देख रहे हो ये इसकी जो टेल लैंप है ना, बड़ी सी भाई पीछे की दो, ये एक अलग लुक जनरेट करती है। एक टेल लैंप चल रही है हमारे कनेक्टेड वाली, और एक चलती है भाई ये वाली छोटी छोटी, और स्प्लिटेड वाले का ना ज़माना जाता जा रहा है भाई। तो ये जो वैगनार में ये वाला लुक जो है ना, रियर लुक भाई ज़बरदस्त लगता है देखने में। यहाँ की जो देख रहे हैं पूरा, इतनी बड़ी आपको ये स्टॉप लैंप मिल जाएगी, रिवर्स पार्किंग लैंप, और ये हजार्ड लैंप, और इंडिकेटर में भी यही वर्किंग करेंगे। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर यूनिट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे जो मड फ्लैग देख रहे हैं वो अपना एसेसरीज में लगे हुए हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगी यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। और CNG का लोगो, CNG है पेट्रोल में, देखो अब हाइब्रिड के लिए अब वो चाहते हो, मतलब वो इलेक्ट्रिक चाहते हो EV वाली, तो आपको कॉस्टली पड़ेगी, उसकी दिक्कत भी है। पर ये गाड़ी ऐसी है, अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए भी यूज़ करना चाहते हो ना, 7 साल 8 साल, तो कह रहा हूँ 7 साल 8 साल आराम से चल जाती है ये गाड़ी। इसको पर्सनली हमारे मतलब यूज़ करी हुई है फैमिली में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये गाड़ी जो है ना, मतलब एक लंबे लॉन्ग टर्म के लिए चल जाती है। और इसकी इंजन हीटिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो टाटा पंच आने वाली है ना, हालांकि टाटा पंच में सिर्फ एक दो चीज़ मिल जाती है आपको, इसमें जो ट्विन ड्यूअल सिलेंडर मिलते हैं ना, वो आपको एक थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं, बट उसके सिलेंडर आपको मिल जाते हैं। लेकिन भाई वहाँ पर आपको ना थोड़ी कॉस्टिंग और बढ़ जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से उनका जो डबल सिलेंडर करती है उसमें 50-60 हज़ार रुपये और देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। और दूसरी चीज़ ये भाई, टाटा का जो आपको पता है कि मतलब 4-5 साल बाद में दिक्कत आने लगती है इंजन में, कि हीटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पर यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी। और अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं आप साइड में, तो इस वाली साइड, ये वाली साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में, ठीक है। और काफ़ी बॉक्सी और अपना टॉल बॉय लुक है, ऐसा नहीं लगता कि देखने में कि इसकी रोड प्रेजेंस की आप छोटी सी गाड़ी चला रहे हैं। और एक ये गाड़ी जो है ना आपकी,
अगर मतलब आप चाह रहे हैं कि एल्टो आपको बहुत छोटी लगती है और आपको थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, क्योंकि आप एक ही गाड़ी रखना चाहते हो, ये आप गाड़ी आपके लिए सबसे वैल्यूबल बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसका लुक आपको ना जो बड़ा सा दिखाई देता है, और अंदर एरी एरिया पूरा, आप फैमिली मेम्बर अगर कोई पीछे बैठता है ना, पीछे बैठे या आगे बैठे, हेडरूम तो ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि अपने फैमिली मेम्बर्स को एक बार में सीट में बिठा लेंगे तो उनको लगेगा थोड़ा सा हेडरूम थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर आपको वैगनार में सबसे ज़बरदस्त अपना हेडरूम मिल जाता है। तो चलते हैं अब इसके अपने फ्रंट केबिन की तरफ। तो यहाँ से हम करते हैं इसको अनलॉक, और ये देखते हैं हम लोग, ये मिल जाता है हमें अपना डोर ट्रिम, जो कि काफ़ी, देखो मैंने कहा था ना चारों पावर विंडो हैं, अपना ये देखिए सेंट्रल लॉकिंग भी इसमें मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं हमें, ORVM फोल्डेबल नहीं मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको ये ग्रैब हैंडल, मैप पॉकेट बहुत अच्छी काफ़ी, यहाँ पर आपका अम्ब्रेला भी आ सकता है आराम से, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, अम्ब्रेला आ जाता है आराम से। और ये मिल जाता है हमें बोतल होल्डर, स्पीकर मिल जाते हैं, और ये जो सीट्स देख रहे हैं आप फैब्रिक में मिलती हैं, और यहाँ आपको ये पूरे एसेसरीज में लगी हुई, आप चाहें ये लगवा सकते हैं इसको। अब चलते हैं केबिन की तरफ अंदर। अच्छा, अंदर जाने से मैं एक चीज़ पहले बताऊँ आपको, इसकी सीट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको जब बैठेंगे ना इसके ऊपर तो लगेगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा कमांडेड जगह पे बैठे हैं, मतलब बहुत ऊंचे पे बैठे हैं, और काफ़ी अच्छा फील कराती है सीट, क्योंकि इसको पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ इसको, ठीक है। और दिखाता हूँ अब इसका जो स्टेयरिंग है वो ये मिल जाता है, एडजस्टमेंट हमें कुछ मिलती नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें मिल जाती है, हाँ VXI है ना, ये VXI में हमें ना ये टेल एडजस्टमेंट मिल जाती है, इसलिए मैंने कहा ना देखो वैल्यूबल हमारा जो बन जाता है ये वाला वेरियंट बन जाता है VXI, और ऊपर से CNG ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर बेस वेरिएंट से भी मिलने लगा है। अब फ्यूल कन्वर्टर यहाँ मिल जाता है, हाई बीम लो बीम करने के लिए, ये हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए ये मिल जाता है, कि हम लगा देते हैं। वाइपर स्टॉक का देख सकते हैं यहाँ मिल जाता है, और ये, और देखो कितनी तेज चलने लगा, तो बंद करते हैं भाई भी। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये मिल जाता है पूरा क्लस्टर जो कि एंगलॉक में है, और ये में CNG गेज और पेट्रोल गेज और स्पीडोमीटर हमें ये मिल जाता है, ऑडोमीटर वगैरह सारे, इग्निशन वगैरह के सारे सेटिंग वगैरह की सेटिंग सारी यहाँ मिल जाती है। और ये मिल जाते हैं AC वेंट, यहाँ पर AC वेंट, और ड्यूल टोन में हमें ये मिल जाता है पूरा इंटीरियर, और डॉग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इसमें हमें, ठीक है। और चारों स्पीकर मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, मैनुअल AC क्लाइमेट कंट्रोल, और ये मिल जाता है डे नाइट एडजस्टमेंट, ये मिल जाती है हमें 3 ऑप्शन के साथ में केबिन लैंप, टिकट होल्डर मिल जाता है सनवाइजर पे, और यहाँ भी आपको वेंटिलिटी मिरर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल फिक्स मिलते हैं, ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रंट में हमें 2 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड मिल जाता है हमें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको, फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है, ABC पैडल आप देख सकते हैं। चलते हैं, और अच्छा ये गियर अपना हैंड ब्रेक मिल जाता है, ये भी स्पेस मिल जाता है हमें यहाँ पर, काफ़ी अच्छा एयरी फील होता है। और आगे की सीट ना मैं अपने आप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया मैंने। चलते हैं अब रियर केबिन की तरफ। रियर केबिन की डोर ट्रिम हमें कुछ इस टाइप की मिल जाएगी, वन टच बोल रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रिक विंडो मिल जाती है, अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, मैप पॉकेट, बोतल होल्डर और स्पीकर यहाँ भी मिल जाएंगे। अच्छा, पीछे स्पीकर नहीं मिल रहे हैं आपको, ओहो, पीछे स्पीकर नहीं है, फ्रंट में स्पीकर मिल जाते हैं, फ्रंट में हमें स्पीकर मिल जाते हैं, देखो फ्रंट में आगे 2 स्पीकर मिलते हैं हमें सिर्फ, ठीक है, ओके, तो ओके हो गया। आप इस वाले वेरिएंट में हमें 2 स्पीकर मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल, मैप पॉकेट बताते हैं, डोर ओपनर और डोर लॉक ये मिल जाता है, सीट फैब्रिक में ही आती है। अच्छा, पीछे अब जो आने लगा है ना भाई, पीछे भी हमें यहाँ पर सीट रिमाइंडर मिलने लगा है ऑप्शन, एड्रेस हमें सारे फिक्स ही मिलते हैं इसमें। पीछे भी आऊँ तो देखो कितना अच्छी तरीके से बैठ गया मैं आराम से, और मैं अगर यहाँ से निकलता हूँ, जैसे घर का कोई मेंबर आपका निकलता है तो ये भी टकराने का, इसकी रूफ लाइन भी टकराने की दिक्कत नहीं है। हेडरूम देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, और लेग रूम भी ज़बरदस्त मिलता है इसमें, बाकी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इसमें देखने के लिए। पार्शल ट्रे मिल जाती है, CNG ऑप्शन है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना ग्रैब हैंडल। चलते हैं बूट स्पेस में, दिखा देता हूँ एक बार और आपको। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इसमें, वैसे तो 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर आप 60 लीटर ये वाटर फिलिंग कैपेसिटी के साथ जो सिलेंडर मिलता है हमें इसमें, वो तो घटा देंगे इसमें 341 में से, तो करीब करीब आपको ये 280 लीटर कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली भी आपको 250
लीटर के करीब मिल जाता है, 60-40 के रेशियो में आपको ये सीट मिल जाती है, तो काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। ऐसा नहीं है अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप ना ये टायर निकाल सकते हैं। आप ये कहोगे भाई लॉन्ग ट्रिप पर जा रहा हूँ स्पेयर व्हील ही घर छोड़ दूं, भाई नहीं जरूरत पड़ती है। आप सिर्फ मात्र अगर अपनी ये एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो एक टायर इंफिल्ट्रेटर रख लेना, वही सफिशियंट हो जाता है। मैं खुद लंबे लंबे ट्रिप पे गया हूँ तो नहीं पड़ती है इसकी जरूरत। आप टायर इंफिल्ट्रेटर रख लिए, एक पंचर किट लगा लेंगे तो ये आपको ये स्पेस आपका यूटिलिटी मतलब यूज़ कर लेंगे इसको अपना पूरा पूरा। वैसे इसमें देखो SCNG है तो ये इलेक्ट्रॉनिक बाल मिलता है आउट ऑन ऑफ का, ये भी टेंशन खत्म है आपकी। स्पेयर व्हील का तो मैंने बता दिया आपको, अगर स्पेस और चाहते हो तो ये वाली कुर्बानी भी दे सकते हो। इस कुर्बानी की ऐसी कोई नहीं है कि कोई कीमत होगी, बस छोटी सी कीमत है, आप एक टायर इंफिल्ट्रेटर रख के अपना ये स्पेस भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो फिर इसके लगने के बाद भी भाई अच्छा खासा स्पेस बन जाता है यहाँ पर। लोग पता है क्या कर रहे हैं इस वैगनर के साथ भाई, सीट गिरा के ना यहाँ पर कैंपर वैन यूज़ कर रहे हैं, इसको इतना स्पेस है भाई कि तुम मतलब वीडियो में नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। देखो एक फैमिली जाती है ना जब, तो आराम से यहाँ पर लगे जा जाते हैं अपने ऊपर को एक आराम से ना, और आपके जो बैकपैक होते हैं वो यहाँ यहाँ साइड की तरफ, और ज़्यादा कुछ सामान हो तो भाई आगे तो भी आगे भी कम थोड़ी जगह मिल रही है आपको, आगे भी ज़्यादा जगह मिल रही है भाई, यहाँ पर भी नीचे रख सकते हो आराम से। इसमें सामान रखने के बाद भी आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो, मतलब पैर में कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग ट्रिप पे। ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें मिल जाती है इसमें, ठीक है। और CNG का मैंने बताया जिसमें 8-10 किलो की गैस आ जाती है, वैसे 8 तो आ ही जाती है उसमें मिनिमम, बता रहा हूँ आपको मिनिमम मतलब मैक्सिमम उसमें 8 किलो आ जाती है, जो कि आपको ना अच्छी खासी माइलेज दे देता है। प्रैक्टिकली आपको वहाँ पर 34 की वैसे ARI माइलेज मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बताऊँ तो आपको 20 और 22-23 के करीब मिली जाती है, ठीक है। और फ्रंट में हमें डिस्क मिलती है और रियर में हमें ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं इंजन बे की तरफ। तो दोस्तों ये है इसका पूरा इंजन बे, 1 लीटर का K10C3 सिलेंडर हमें इंजन मिल जाता है इसमें। 55.92 BHP की मैक्सिमम पावर, 82.1 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है भाई। और इसमें ABS विथ EBD ESC जैसे फीचर्स आपको इसमें बे से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छी लो मेंटेनेंस कार है, और लॉन्ग रूट के लिए भी ज़बरदस्त है भाई, और पहाड़ों पर भी ज़बरदस्त चलती है वैसे ये। तो दोस्तों ये थी हमारे सामने मारुति सुजुकी अरेना की अपनी वैगनार, CNG वेरिएंट खड़ा हुआ था VXI में, और 6,90,000 के करीब शोरूम प्राइस पड़ जाएगा, 7,80,000 के करीब करीब आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। 34 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये, सॉरी पर केजी के हिसाब से, पर लीटर बोल रहा हूँ, पर केजी के हिसाब से ये CNG में माइलेज देगी आपको, और 23-24 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये आपको ARI माइलेज पेट्रोल में देगी, और सबसे वैल्यूबल कार बन जाती है, ठीक है। और लो मेंटेनेंस कार है, और आफ्टर मार्केट कॉस्ट भी, सर्विस कॉस्ट भी इसकी लो पड़ती है, वैल्यूबल कार है। और अब मैं एक कॉन्टैक्ट में डिटेल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो मारुति सुजुकी अपना अरेना मोटरक्राफ्ट गाजियाबाद साहिबाबाद में, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी होगी तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शोरूम पर आके विजिट भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।